स्वामी जी आप आ गए, मैं आपकी इंतजार। ये सब तो ठीक था प्रिय, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, आपकी गोद में बच्चा। हाँ स्वामी जी। हमारे कुल का चिराग, तो देर किस बात की प्रिय, हमारे हमारे वारिस को लाओ। ये क्या, अरे हुआ क्या प्रिय, जब मैंने बच्चा अपना अपनी गोद में लेने को मांगा तो बच्चा क्यों दे रहे, नहीं दे रहे मुझे। स्वामी जी आपको क्या बताऊं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? हाँ। कैसी गलती? अरे हमारे बच्चे को कोई शेर बाग चीता नहीं देगा, या की गला दांत। नहीं स्वामी जी ये बात नहीं है, सुनिए मैं आपको बताती हूँ। जब मैं महाराज से मदद मांगने गई, मुझे रहने के लिए चमन में बताया, और उससे पहले मुझे महारानी से मिलाया। महारानी भी गर्भवती थी। महाराज का कहना था कि अगर तुम्हारे कोख से बेटा हुआ तो रात की महारानी कहलाओगी, अगर खास तौर से बेटी हुई माँ बेटी को जान से मार दिया जाएगा। इसका मतलब स्वामी जी जयपाल सिंह अपने आप को भगवान समझने लगा। स्वामी जी मैंने महारानी से वादा किया अगर मेरे कोख से बेटा हुआ, तुम्हारे कोख से बेटी हुई तो मैं अपना बेटा तुम्हें दे दूंगी और तुम्हारी बेटी मैं ले लूंगी। स्वामी जी वही हुआ, मेरे कोख से बेटा हुआ और महारानी जी के कोख से बेटी हुई। मैंने स्वामी जी अपना बेटा महारानी के हाथ में सौंप दी और उसकी बेटी मेरे पास है। तुमसे गलती नहीं हुई प्रिय, अरे तुमने तो वही करके दिखाया, और ये हमारे बेटे का सौभाग्य था प्रिय। अरे मैं तो ना सही नेपाल मुल्क में, लेकिन अपनी किस्मत की बता, अपना बेटा उसी राज महल में पल रहा है प्रिय। बल्कि तुमने अपने हक में बहुत अच्छा किया है, आप तो इस जयमल के पाओ और आगे को बढ़ेंगे। एक बात याद रखना प्रिय, मैं छुप छुपा के तुमसे मिलने आया हूं और सब कुछ मालूम हो गया मुझे, मुझे चलने का इजाजत दीजिए। और हाँ प्रिय एक बात जरूर याद रखना, जिस तरह हमारा बेटा राजमहल में पल रहा है और राजमहल में पलने वाली जयपाल सिंह की बेटी तुम्हारे पास चमन में पल रही है, तो प्रिय इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना प्रिय। सर जी कष्ट सह लेना, लेकिन इसे कष्ट नहीं सह लेना। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं इतना प्यार दूंगी इसको कभी महसूस नहीं हो दूंगी कि मैं इसकी दूसरी माँ हूँ। प्रिय मैं चल रहा हूँ प्रिय, अगर जयपाल सिंह के सिपाहियों ने मुझे देख लिया तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा प्रिय। ठीक है स्वामी जी।
चलती हूँ, आराम करती हूँ। अब रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी इखला होना है, आदमी इखला होना है। हेलो, यहाँ गए हमारे बड़े भैया दिलीप भाई, दिलीप भाई ग्राम धौरहरा, इनके कार्यक्रमों द्वारा इस आपके गीत पर खुश होकर ये शानदार 50 रुपए का इनाम आ रहा है। और ये आ गए हमारे बड़े भैया राजू यादव, राजू यादव ग्राम खौसपुर पोस्ट उमरन जनपद रायबरेली। इनका एक खाने का ऑर्डर चलता है शुभ अवसर पर। आप लोगों को खाने के लिए अगर कारीगरों को बुक कराना है तो राजू यादव घोषपुर पोस्ट उमरन पहुंच करके आप लोग संपर्क करें। खाने में मिठाई जैसे खाना जैसे अग्र जो है पूरी सामग्री के साथ खाने का बनाने का कार्य करते हैं। जिन भाइयों को कराना है ऑर्डर लगातार खाना अच्छा बनाते हैं, राजू भाई से संपर्क करें। धन्यवाद भाई साहब। जब जो चाहे वही तो होना है, जब जो चाहे वही तो होना है। आदमी इखला होना है, आदमी इखला भैया। चलते चलते कहना क्या है, अरे एक से और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हे मास्टर, ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने बनाया है, लेकिन हमने क्या बनाया है, अरे बिक्स और बाम का दवा कीजिए, सर्दी जुखाम की दवा कीजिए। जंग पूरे 18 वर्ष का हो चुका है। राजदूत, राजदूत मंत्री जी से कहो मैं उन्हें याद कर रहा हूं।
मंत्री जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आज हमारा बेटा पूरे 18 वर्ष का हो चुका है। क्यों नहीं मरा? इसलिए तुम जाओ, हमारे चमन में जो बुढ़िया मालिन रहती है जी महाराज, उससे जाकर कहो कि हमारे बेटे के लिए कोई अच्छा सहार बना के लाए और मुझसे काफी इनाम ले कर आए। हेलो, यागा कढ़ैला नाऊ, कढ़ैला नाऊ ग्राम थौरहरा, इनकी ओर से 20 रुपए का व्यवहार और 10 रुपए इनाम पार्टी की ओर से, धन्यवाद। हमारे बेटे शमशेर जंग को लेकर के आओ। और पिता चरण में आपके अर झुका रहा हूं, पिता चरण में आपके अर झुका रहा हूं, प्रीति बढ़े प्रीति बढ़े सम्मान हो यह दीजे आपसे, प्रीति बढ़े प्रीति बढ़े सम्मान हो यह दीजे आपसे। योगे बेटा तुम्हें जियो बढ़े ज्ञान भर, चमन में जो बुढ़िया मालिन रहती है उसको बता देना कि हमारे बेटे के लिए कोई अच्छा सा हार बना के लाए। मैं इसी वक्त जा रहा हूं। ठहरो मरन, जब तुम हमारे पास आई थी तो अकेली तनहा थी, तुमने तो कहा था इस संसार में हमारे हमारा कहने वाला कोई नहीं है, तो मैं पूछता हूं तो फिर ये लड़की कहां से आ गई? महाराज ये कौन है? गुस्ताखी माफ हो, मैंने आपसे मदद मांगने आई तो मैं गर्भवती थी, ये बात महारानी जी को बताई थी। लेकिन ये बात तुमने मुझसे नहीं बताया। खैर छोड़ो, तुम ठीक कह रही हो, औरत की बात एक औरत ही समझ सकती है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? महाराज
मेरी बेटी का नाम तारा है। तारा, वाकई नाम तो बहुत प्यारा है, लेकिन मालिन तुमने हमारे बेटे का नाम नहीं पूछा। क्या नाम है आपके बेटे का? हमारे बेटे का नाम शमशेर जंग है। बहुत प्यारा। और क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी बेटी आज कितने वर्ष की हो गई? मेरी बेटी इस वक्त 18 वर्ष की है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, क्योंकि आज हमारा बेटा शमशेर जंग भी पूरे 18 वर्ष का हो चुका है। हर छोड़ो, इन बातों में रखा ही क्या है, इस खुशी में हमारे बेटे को हार पहनाओ और कोई अच्छा सा सोहर गीत सुना दो। जयपाल से काफी इनाम लेकर के जाओ। ठीक है महाराज। बेटी आज चलिए कोई अच्छा सा प्यारा सा सोहर गाती हूँ। अच्छा, अगर महाराज खुश हो गए तो हमको भी खुश कर देंगे। क्यों नहीं, इसलिए अभी जा गए हो
मैं सेवाराम, सेवाराम ग्राम धौरहरा, घर मालिक को 50 रुपए का व्यवहार और 10 रुपया इससे सोहर पर इनाम। धन्यवाद। यहाँ गए गोविंद मुंशी, साइड में बैठ के लिख रहे हैं। इस सोहर पर खुश होकर के 10 रुपए का इनाम आ रहा है, पार्टी कोर से धन्यवाद है। काफी धन देकर यहाँ से रुखसत कर दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और हाँ वालिन, हर वर्षों की तरह हर साल हमारे राजकुमार को इसी तरह हार लाकर पिन्हाना तुम्हारा काम होगा। ठीक है महाराज, जा सकती हो। क्या बात है? कोई बात नहीं महाराज। एक काम करना। कौन काम? हमारे बेटे को हर जगह ले जाना, लेकिन रोड की तरफ नहीं लेके जाना, क्योंकि मैं तो बहुत डरता हूँ, वहाँ बहुत सारी मोटर गाड़ियां आती जाती रहती है। क्यों नहीं महाराज? इसलिए राजकुमार की परवरिश करना तेरा काम होगा। मैं चल रहा हूँ। कहो गम्मा, सोच रहे हो का? राम भाई। हाँ भाई, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। कौन बात है भैया, बताओ? सही बताओगे ना? एकदम सही बताओ। तुम दोनों लोगों से पूछना चाहते हैं, ये बताइए कि वो क्या कहते हैं, वो जो बुढ़िया मालिन आई थी अभी अभी, अभी रहे। और हमारे गले में हार पहना करके गई, और उसके साथ में वो लड़की कौन थी? अरे भाई बिटिवा है। क्या? मालन के बिटिवा है भाई। मालन की? हाँ, मालन की लड़की है। उस मालन की लड़की है? का? लेकिन मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। भाई भैया, अरे एक तरफ मालन को देखो, एक तरफ उस मालन को देखो, और एक तरफ उस लड़की को देखो, नीचे से ऊपर तक कयामत ही कयामत है। लेकिन ये बताइए कि उस क्या कहते हैं, उस लड़की का नाम क्या है? नाम नहीं सुनेगा? मैंने तो नहीं सुना। तारा नाम। क्या? तारा। तारा, तारा नाम है उसका, उस लड़की का नाम तारा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तारा नाम तो उसका नहीं हो सकता। सचमुच तारा नाम है? उस लड़की का नाम तारा। तारा। कहा भैया मूल पीला लाख का रामबली और महाबली,
जब से उस लड़की को मैंने देखा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्या खा पी अब नहीं निकला, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। क्या कहे मोनू भाई, हे भैया जो को व्यवहार दियो वही कह लिखा दियो, बाद में तुम मुंशी जी हमका बताओ तो हम बोलत रहा। या कहे मोनू भाई ग्राम धौरहरा, यानी घर वाली को 50 रुपए का व्यवहार पार्टी कोर से धन्यवाद। राम बली भैया, हमने जो लड़की को जब से देखा ना ऐसा लगता कि मेरा सर साला फट जाएगा। अच्छा तो हाँ सर फट जाए जो दिल धड़का तो। अरे क्या बताऊ तुमसे, जितनी तारीफ उसकी करूं उतनी ही कम है। यार ये टूटा इंजन धड़क रहा। तुमने देखा नहीं ठीक से उसको, और टूटा इंजन बोलते हो क्यों? अरे कोई भी मॉडल का इंजन उसको नहीं पहुंच पाएगा, और तुम टुटहा बना दिया। तारा मेरे दिलो दिमाग में समा गई है। और सुनो मेरे पिताजी ने क्या कहा? क्या कहे? कि जाओ घुमा टहला करके लाइए और रोड की तरफ मत ले जाना। मेरे डैडी ने कहा ये बात, लेकिन हम भी कुछ कहना चाहते आपसे। क्या कहना चाहते बताओ? और हूं देखा देखा जब से है उसे, हर दिल मेरा बेदार। जब से देखा उसे और दिल मेरा बेदार, और जा करके उस लड़की से अब तो करूं मैं प्यार। और दिखा कर एक झलक मुझको मुझे दीवाना कर डाला, मुझे दीवाना कर डाला। समाजल पी रही थी वो मुझे परवाना कर डाला। लगाऊं सीने से उसको यही दिल में अपने थाना, लगाऊं सीने से अपने यही दिल में अपने ठाना। झलक को देख कर